हाय दोस्तों, हाउ आर यू। दुआ करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो देखा आप देख रहे हैं, इस वीडियो में देखिए आपको क्या लगता है। ये वीडियो बहुत ही बुरा है, अच्छा नहीं है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये अकेला आदमी छत पे सोया हुआ है और यहाँ पे ये जो पिलर दिखाई दे रहा है आपको, उस पिलर पे देखिए, गौर करिए उस पिलर पे। उस पिलर पे रात में आत्मा आई हुई है, रूह आई हुई है, आप देख सकते हैं। तो कभी भी रात में छत के ऊपर अकेले ना सोएं। और दूसरी बात, छत पे जो है, अगर आप सोते हैं तो आप उस छत पे लाइट लगा रहने दें या लाइट ऑन रहने दें और सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं और सावधानी से सोएं। क्योंकि ऐसा इस भाई के साथ हुआ है, समझ लीजिए कि कुछ बुरा नहीं हुआ, अगर बुरा होता तो कौन जिम्मेदार होता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि रात में छत पे अकेले ना सोएं, और अगर सोते हैं तो किसी को अपने साथ लेके सोना चाहिए, और बच्चों को छत पे कभी ना सुलाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर डर जाते हैं। बड़े आदमी तो फिर भी हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो बच्चों को डरने की वजह से क्या होता है, कभी बुखार भी आ जाता है और कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है डरने की वजह से। क्योंकि डर से जो है इंसान का हार्ट जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उससे इंसान की मौत हो जाती है। तो कभी भी अपने बच्चों को रात में छत पे ना भेजे और ना ही रात में सुलाएं। और अगर आप लोग भी सोते हैं तो कम से कम पूरी फैमिली के साथ सोएं और लाइट ऑन रहने दें और सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। देखो, एक बार तो उस बंदे को उठा के पटक देती है, फिर भी वो बंदा समझ नहीं पाता है, पलट देती है, सोया रहता है, पलट देती है उसको। और फिर उसके साथ में क्या होने वाला है, ये आप वीडियो को आखिर तक देखें। और वीडियो को आखिर तक देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना नाम जरूर दर्ज करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखें हमेशा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी, सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस बंदे के साथ में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि कभी भी अगर रात में आस पास अगर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ है, या तो आसपास कोई चोर है, या कोई अजनबी आदमी है, या फिर कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो जानवरों को पहले दिखाई देती है, जल्दी दिखाई देती है जानवरों को। कुत्तों को ये आत्माएं होती हैं, रूहें होती हैं, ये सबसे पहले दिखाई देती है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि रात में अगर छत पे अकेले न सोए और सावधानी बरते और बच्चों को छत पर न सुलाए, ठीक है। इससे आपकी सेफ्टी होगी, आपके बच्चों की सेफ्टी होगी, सही है ना। मेरी बात को गौर करें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें और आने वाले खतरे से बचें। अगर आप ऐसे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे हमको क्या करना है, क्योंकि ये आत्माएं किसी की सगी नहीं होती है। अब इनमें कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी भी होती है, कोई किसी के साथ बुरा कर देती है, कोई किसी को मार भी देती है, किसी को छत पे से उठा के नीचे भी गिरा देती है। तो छत पे गिरने वाला कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, जवान हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, सही कि नहीं। तो आप सावधान रहें और ऐसी घटनाओं से बचें। आपसे ये मेरी आरजू है, गुजारिश है। तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, बहुत